राम का नाम परम पिता परमात्मा का याद करने का तरीका जिसे गुरुमंत्र या मैं थोड़ा मेडिटेशन कहें या कलमा शब्द कहें या नाम मतलब एक ही है यह कैसे काम करता है किस तरह से काम करता है मालिक का नाम आदमी के अंदर की उन शक्तियों को जगा देता है जो दबी बैठी हैं, जो दब चुकी हैं जिन्हें आत्मिक शक्ति कहें तो गलत नहीं होगा या सोल पावर कहें तो भी गलत नहीं होगा वैसे तो बिल पावर आत्म बल भी वही चीज है पर कई बार कोई समझने में फर्क कर देता है एक बच्चे ने हमें बताया तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि शॉर्ट में अगर आत्म बल कहें तो आत्मा की ही शक्ति है तभी बल आता है लेकिन आजकल लोग वैसे आत्मबल बल को या बिल पावर को कुछ और मान लेते हैं तो आत्मिक शक्तियां जागृत करना ही बेहद जरूरी है और जब तक वो जागृत नहीं होती आदमी शांति का अनुभव खुशी का एहसास नहीं कर पाता तो आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए एक खुराक चाहिए जिस तरह बच्चे खेलते हैं काम धंधा करते हैं तो उसके लिए बॉडी पावर चाहिए दिमाग तेज होना चाहिए तभी यह संभव है तो उसके लिए आप अलग अलग खुराक लेते हैं अलग अलग भोजन लेते हैं आपके कोई ना कोई उस्ताद कोई ना कोई टीचर कोई ना कोई कोच आपको शिक्षा देते हैं कि कैसे आप अपने बिल पावर को जगा सकते हैं या अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं या अपनी बॉडी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं कैसे दिमाग को तेज कर सकते हैं वैसे तो ये कहावत है अनसुलझी हुई पहेलियों को सुलझाना भी दिमाग को बढ़ाना है जितना दिमाग ज़्यादा लगाओगे उतना ही दिमाग बढ़ता चला जाता है और जितना दिमाग नहीं लगाना चाहोगे दिमाग एक तरह से शटर डाउन हो जाता है बंद हो जाता है तो जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा जो आपके पढ़ने में बिजनेस में जो भी आप दिमागी कार्य करते हैं उसमें आपकी सहायता करेगा बॉडी पावर के लिए अलग अलग तरीका बताया जाता है पुराने टाइमों में घी खा लो भाई दही खा लो छाछ पी लो आज वालों को वो चीज लगता है कि गलत थी तो आपको नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे ये जो वेब प्रोटीन बनता है या प्रोटीन बहुत सारा बनता है वो छाछ में जो मलाई होती है एक घर की छाछ होती है ना गांव वाले बच्चे जानते होंगे तो घर की छाछ में एक मड़ाई होती है जिसके नाम अलग अलग हैं अलग अलग, अलग भाषाओं में कोई छिड्डी कहता है कोई मलाई कहता है कोई कुछ कहता है आजकल तो आप दूध की मलाई भी खर छान छाण के पीते हैं पहलवान जो हुए पर उस समय छाछ क्यों पीते थे लोग क्योंकि आज वे प्रोटीन भी उस छाछ की मलाई से ही ज्यादा बनाया जाता है जो ओरिजिनल होता, होता है और ऑर्गेनिक होता है तो हमारे कोई बुजुर्ग को पागल नहीं थे और कितनी पावर हुआ करती थी बॉडी पावर आज भी नहीं हुआ है बच्चों में ऐसा नहीं कि बॉडी पावर नहीं है जो पहलवान हैं जो प्लेयर हैं आज भी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहले नहीं हुई टेक्निक नहीं पता था उनको पावर पावर थी आज टेक्निक सीख गए वो पावर पहले बहुत ज्यादा थी ट्रैक्टर को उठा देना वैसे ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती बड़े, बड़े बड़े बड़ा कुछ होता था जो हमने देखा जो आज कम ही देखने को मिलता है हां टेक्निकली आज ज्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं सो so, इस सबके लिए खुराक निश्चित की जाती है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो वाली खुराक आत्मिक शक्ति या सोल पावर आत्मा की खुराक कौन सी है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ जाए ताकि आपका बिल पावर अप होता ही चला जाए और आपको पता है जिनके अंदर विल पावर होता है आत्मबल होता है वो अपनी आदतों को बदल डालते हैं और आज कौन सी आदत बदलने की जरूरत है मांसाहार शराब नशे और अपनी बैड हैबिट्स आप किसी को बताओ मत क्योंकि आपको शर्म आती है पता नहीं क्या बोलेगा और सच भी है पता नहीं कौन क्या बोल दे ये तो लफंगा है ये तो गुंडा है ये तो नशेड़ी है तरह तरह के वर्ड आज आम ही सुनने में मिलते हैं तो इस डर से आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको एक तरीका बताएंगे जिसका नाम है गुरु मंत्रा। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपनी आदतों को खुद बदल डालोगे और वो भी कुछ घंटों में कुछ मिनटों में आपके अंदर वो सोल पावर वो आत्मिक शक्तियां जाग उठेंगी आपका आत्म बल विल पावर बुलंदियों पे पहुंचने लगेगा और जिनके अंदर आत्म बल होता है ना वो कभी ये नहीं कहते ये कैसे होगा कितना भी असंभव सा कार्य हो वो कहते ये तो चुटकियों में हो जाएगा बात ही कुछ नहीं ये निशानी होती है आत्मिक शक्ति की वरना तो आज जिधर देख लो आप निगाह घुमा लो ये नहीं हो सकता ये तो होगा ही नहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता ये तो हल ही नहीं हो सकता चाहे कुछ भी कर लो हम गारंटी देते हैं आप सुमरण कीजिए वो जो गुरुमंत्र बताएंगे उसका जाप कीजिए लगातार जो असंभव लगता है उसमें ही सफलता का कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा और सीढ़ियां चढ़ के आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे तो इसलिए यह अपनी डिक्शनरी से निकालने के लिए कि असंभव कुछ नहीं होता जरूरी है अंदर आत्मिक शक्तियों का होना सोल पावर को जगाना और उस सोल पावर को जगाने के लिए आत्मिक शक्तियां बढ़ाने के लिए कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है बस तीन शब्द हैं या एक शब्द कईयों के अंदर भर्म है पांच के बिना पार नहीं होते कईयों का है कि अब तो ज्यादा ही शॉर्ट हो गया तीन के बिना बार नहीं होते आपका भर्म है शायद जी के वचन आपने नहीं सुने होंगे परम पिताजी ने भी एक बार वचन किए थे किसी के कहने पे उनको बोला गया कि पहले तो साईं जी पांच देते थे अब आप तीन गुरु मंत्र के शब्द कर दिए ये तो कम है तो तब बेपरवा जी ने फरमाया था तीन तो क्या सदगुरु चाहे फकीर चाहे तो एक शब्द से बाहर कर सकता है तो समय समय की बात है समय समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे संत पीर फकीर परमपिता, परमात्मा से प्रार्थना करके उन शब्दों को उस तरीके से बताने लग जाते हैं कि मीनिंग्स वही रहता है लेकिन शब्द बोलने में आसान हो जाते हैं आज के बच्चों में रहता है कि हम शॉर्टकट अपना लें शॉर्टकट थोड़े से चीज तो एक शब्द से शॉर्टकट तो कोई हो नहीं सकता इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता तो इसलिए बड़ा ही आसान सा तरीका होगा आप जब सुनेंगे अच्छा नाम इतना बड़ा गुरुमंत्र और शब्द एक लेकिन जब आप जाप करेंगे वो एक ही एक से मिला सकता है इतनी पावर है उसमें ऐसे तो आप अगर सोच के देखो एक अपनी दुनिया है अपनी धरती पे दुनिया है अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं बाहरली दुनिया के लोग आ रहे हैं इस धरती पे हो सकता है कुछ रह रहे हो बाहरली दुनिया के लोग बड़ी जोर शोर से कुछ लोग इसको खोजने में भी लगे हुए हैं कि आखिर बाहर दुनिया कहाँ है जिंदगी कहाँ है चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं मंगल ग्रह तक जा रहे हैं पर हमारे धर्मों में खास करके पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा है सैकड़ों जगह जिंदगियां हैं सैकड़ों त्रिलोकियां हैं त्रिलोकी आसमान धरती पताल को नहीं कहा जाता त्रिलोकी का मतलब होता है तीन तरह के जीव तीन प्रकार की शरीर एक वो शरीर जो दिखते हैं जिसे धर्मों में लिखा स्थूल काय जैसे हमारा शरीर है पशु पक्षी परिंदे हैं पेड़ पौधे हैं ये कहलाते हैं स्थूल काय। है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश पांच तत्व से निर्मित हैं इनमें कोई तीन ज्यादा है किसी में दो ज़्यादा है किसी में एक ज़्यादा है इंसान में पांचों बहुत हैं लेकिन जो आकाश तत्व औरों में नहीं है इसलिए इंसान में वो तत्व औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है वैसे तो आदमी में भी पानी ज़्यादा है तो इस तरह वो एक बैलेंस बन जाता है जब आकाश तब तो ज्यादा आ जाता है तो ये स्थूल काय है एक है सूक्ष्म काय चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो साइंटिस्ट हो हम चैलेंज करते हैं आप सुन लो एक बार फिर बताना गलत क्या है क्योंकि धर्मों को हमने विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा सदगुरु जी की कृपा से उनके हुक्म से खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे तो इसलिए बड़ा आसान हो गया गुरु जी कहने लगे धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो और जब हमने पढ़ा तो गजब हो गया कि धर्म तो महासागर है विज्ञान का विज्ञान तो एक छोटी सी नदी है जो उसमें से निकली है कल परसों तो क्या है कि सूक्ष्म काय शरीर कौन से हैं जो खुली आंखों से दिखने में नहीं आते आप उन्हें बैक्टीरिया कह लें उदाहरण के तौर पे वायरस कह लें या उससे भी और सूक्ष्म है जो आज तक आप पकड़ नहीं पाए अच्छा साइंटिस्ट इस बात को मानेगा कि हम परिपूर्ण नहीं हुए हैं अभी तक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं देख पाए हैं जिनकी एक चीज बंद हो जाती है कि बस हमने बैक्टीरिया देख लिया इससे सूक्ष्म क्या हो सकता है वो चुप हो गए लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिज्ञासु कि और देखें क्या और भी कुछ सूक्ष्म है तो जरूर मिल जाएगा है सूक्ष्म तो वो शरीर है सूक्ष्म काय एक है कारण काय वो देवताओं के शरीर माने जाते हैं आप तो देवताओं पे बिलीव नहीं करते जो करो ना करो पर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने महसूस किया तेतीस प्रकार के देवी देवता जो सृष्टियों में संभालते हैं वो पाए जाते हैं वैसे तो अलग लोक है वो भी सच है हम आपको ये देंगे तरीका जो आप देखना चाहोगे इसका अभ्यास कर लेना देख पाओगे अपने अंदर से इससे बड़ी गारंटी क्या दे सकते है? हमने देखा है आप भी देख सकते हो हम भी इंसान है आप भी इंसान हो हमने अभ्यास किया आपको करना पड़ेगा इतना सा फर्क अभ्यास करे बिना तो डिग्रियां ही नहीं मिलती आपको आज जो पढ़े लिखे बैठे हो आप यहां पे जितने भी सज्जन बहनें हमारी बेटियां हमारे बेटे जो भी आप बैठे हो सामने नजर आ रहे हो बहुत कहने का मतलब आपने कोई डिग्रियां हासिल की हैं या कोई नौकरी कर रही हैं या कहीं भी आप दफ्तरों में लगे हुए हैं तो आपने जिंदगी के कुछ साल तो लगाए होंगे पढ़ाई के लिए हमारी मान के आप दो महीने घंटा सुबह शाम इस गुरु मंत्र का जाप कर लेना हम आपको गारंटी देते हैं वो डिग्री मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं करी जिसे भगवान है कि नहीं है ये तो फजूल की बातें हैं तो फिर ऐसे इतिहास कैसे कह सकते हो सही है लिखने वाला इतिहास भी आदमी और संत हैं वो भी आदमी जिन्होंने धर्मों को लिखा yeah. अरे इतिहास को लिखने वालों के तो बच्चे थे और जो संतों ने धर्मों को लिखा उन्होंने दुनिया त्याग के धर्मों को लिखा हमारे लिए जिनके बच्चे होते हैं वो तो बेईमानी कर सकता है झूठ बोल सकता है अब जिनके बच्चे है ही नहीं सारी समाज को बच्चे मान के जो लिखता है वो कभी झूठ नहीं लिखता जो उसके अनुभव में आता है वो लिखता है हम नहीं कहते कि इतिहासकारों ने झूठ लिखा होगा लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो किसके ज्यादा बेईमानी करने की उसके उसके जिसकी औलाद परिवार है या उसके सारी सृष्टि को परिवार मानता है उसका पर्सनल किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हमें लगता है चांसिस बेईमानी के उसके ज्यादा हो जाते हैं जिसकी एक अपनी फैमिली उनके लिए ठगी मार सकता है बेईमानी कर सकता है कुछ भी कर सकता है पर जिसकी सारी सृष्टि फैमिली है जिसको पता उसके शब्दों को आने वाले टाइम में प्रयोग किया जाएगा भगवान से जुड़ जाता है वो हंड्रेड परसेंट सच होता है उसमें कोई चांस ही नहीं रहता कि वो बेईमानी करेगा किस लिए कोई पर्पज तो हो अपना नाम मशहूर करने के लिए ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा उन्होंने तो अपने आप को दासों का दास सबसे छोटा मैं तो आपके जूतों में बैठूंगा हमेशा आपने सुना हो तो ऐसी बातें आती हैं संतों महापुरुषों की कि वो इतने बड़े महापुरुष थे इतने बड़े संत थे तो कहने का मतलब महापुरुष लिखते हैं सच लिखा था सच है और सच ही रहेगा उनका लिखा हुआ झूठ नहीं हो सकता तो ये उनकी बातें आपको बता रहे हैं। कारण का शरीर में क्या होता है वो जब चाहते उनके पास एक पावर होती जो आजकल आप मैजिक देखते होंगे या किसी फिल्मों में देखते होंगे हम क्योंकि फिल्में देखते नहीं हमें पता नहीं पर बच्चों से सुनते रहते हैं कि भाई आपने ऐसे मैजिक भाई छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है कभी लुप्तपराय हो जाता है दिखता ही नहीं सुनने में आया कि ऐसी चीजें आपको कल्पना में फिल्में बना के या ऐसे करके दिखाई गई होंगी वो कल्पना है लेकिन हकीकत में देवी देवता हंड्रेड परसेंट ऐसी होते हैं वो कहीं भी पहुंच सकते हैं ऐसी उनका आत्म बल आत्मिक शक्ति बड़ी हुई होती है अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर देते कि आप देख ही नहीं सकते आपके आसपास ही होते हैं वो छुप जाते हैं अदृश्य हो जाते हैं जितना चाहे शरीर को बहुत हद एक हद होती है उतना लंबा चौड़ा कर सकते हैं और छोटे से छोटा कर सकते हैं और अदृश्य हो जाते हैं तो उसको शरीर को कहा जाता है कारण काय तो ये तीन शरीर हो गए स्थूल काय सूक्ष्म काय कारण काय इसको कहते हैं त्रिलोकी तो ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों जगह है सो कहने का मतलब जो जिंदगी हम इस धरती पे जी रहे हैं ऐसी धरतियां सैकड़ों जगह है अगर सीधी भाषा में बोले और वहां भी जिंदगी हैं बहुत जगहों तो पे तो हमसे बहुत ज्यादा तरक्की पर बहुत आगे विज्ञान में है बहुत जगहों पर तबाही मच रही है बहुत जगहों पर शांति प्रिय भी है तो कहने का मतलब ये आप अगर देखना चाहोगे और हैरानी क्या किस बात की है इन सब को कंट्रोल करने वाला भी एक और सबका हिसाब किताब रखने वाला भी एक है ना कमाल आप किसी अपने एरिया के बॉस होंगे बुरा ना मनाना अपनी कंपनी है या कुछ भी है उसका एक बॉस होता है उस कंपनी को संभालने की जिम्मेवारी उस पे होती है और उसके भी पसीने छूटे रहते हैं अगर कर्मचारी सही ढंग से ना चले या थोड़ा ऐसा कुछ आ जाए तो दिन रात मेहनत करता है एक छोटी सी कंपनी के लिए कितनी मेहनत चलो बड़ी कंपनी के लिए फिर वो आगे कई बॉसेस बन जाते हैं और एक हेड रह जाता है आप जरा सोच के तो देखिए कितनी संख्या होगी अपने धरती की मान लो शायद करोड़ों में या अरबों में पहुंच गई होगी शायद क्या कह सकते हैं वो तो राम जाने क्योंकि बीच में पेड़ पौधे भी तो हैं पक्षी भी हैं जीव जंतु भी हैं तो उनका एक एक पल का एक ही बंदे के पास हिसाब किताब है हर किसी की जानता है वो चाहे उसने आगे अपने भी बंदे रख रखे हों देवी देवताओं की ड्यूटियां तैतीस की लगा रखी है कि आपने ऐसे ऐसे ये ये काम करने हैं और भी होंगे कुछ लेकिन उनको पता हो ना हो फिर भी उसको खुद को सारा पता होता है तो ऐसा है हमारा ओम भगवान परमात्मा गॉड सुप्रीम पावर आप पशु तो भी सुन रहे होंगे बेचारे उन वो तो नहीं समझ सकते लेकिन आपका तो दिल कर सकता है ना कि यार देखिए तो सही वो है कैसा कर रहा होगा ना जरूर करता है हमारा तो करा और तभी वहां तक पहुंच पाए तो बिल्कुल करता है और वो उसको पाने के लिए ही आपको वो तरीका बताएंगे जिसे कहते गुरु मंत्रा या मेथड ऑफ मेडिटेशन आपने बस अभ्यास करना है परहेज तो मानने पड़ते हैं डॉक्टर साहबान यहाँ बैठे होंगे बड़े डॉक्टर भी होंगे कोई बीमारी लग जाए किसी को तो परहेज बताते हैं ना कि बेटा ये नहीं खाना गला खराब है तो गर्म ठंडा कट्ठा ना लेना नजला है तो ठंडी चीजें मत खाया कर बुखार में ये 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 तो इत्यादि इत्यादि सारी बातें क्या कहें डॉक्टर साहबान और जो बीमार रहा है उसको पता है परहेज बताए जाते हैं वैसे ही संत पीर फकीर जो गुरु होता है वो परहेज बताता है कि बेटा ये बस थोड़ी सी चीजें अवॉइड कर देना फिर मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र का जाप करना जो तू चाहेगा तेरी गंदी आदतें बदल जाएगी और अच्छाई में तू तरकियां करता चला जाएगा इसलिए हमारे धर्मों में गुरु मंत्र की महत्ता बहुत ज्यादा है और गुरु मंत्र है क्या क्या गुरु का मंत्र जी नहीं पहले आपको गुरु मंत्र की व्याख्या गुरु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश दोनों के जुड़ने से बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है बदले में कुछ ना ले पैसा चढ़ावा अपनी मान बढ़ाई मेरी जय जयकार करो नहीं हां क्योंकि आप सब में मुझे मेरा राम भगवान दिख रहा है हो सकता है किसी को इधर भी दिख रहा हो शरीर तो ये भी इंसान का है पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम भगवान बन गए हम तो भाई आपके चौकीदार सेवादार ही हैं हमारा काम ही है सेवा करना आपकी सेवा के लिए आपके नौकरों के भी चौकीदार हैं हम तो उनके भी सेवादार हैं उनके भी नौकर हैं कैसे आके वो राम का नाम ले लेंगे आपके नौकर और वो उन्होंने अगर कोई दुआ कर दी तो हमारा कर्तव्य बन गया उनकी सेवा करना भगवान से प्रार्थना करना कि भाई हे भगवान ये तेरा बच्चा तड़फ रहा है अगर इसकी जायज़ मांग है अगर इसकी सही है तो तू सुन ले और जरूर सुन ले और इस पर रहमत कर दे कृपा कर दे तो वो सुन लेता और कृपा कर दे देता है तो हमारी नौकरी पक्की हो गई कि हाँ राम जी ने हमारी सुन ली और आपके नौकर के भी हम नौकर हो गए क्योंकि उनकी बात के आगे हमने पालना की तो इसलिए संत अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं होते वही सच्चा गुरु होता है फकीर होता है हम ये नहीं कहते हम सच्चे हैं कि नहीं सुमण कर लेना पता चल जाएगा राम जी जिस रूप में आते हैं वो गुरु सच्चा होता जिस रूप में नहीं आते वो गुरु नहीं होता बात ही खत्म प्रैक्टिकली मैथड ऑफ मेडिटेशन गुरुमंत्र है जाप करो वो रूहानी रूप में आ सकता है नूरानी रूप में आ सकता है दुनियावी रूप में आ सकता है और जिसमानी रूप में भी आ सकता है वो आपकी भक्ति का स्केल है कितनी का आप करते हो कितने के विचारों को शुद्धिकरण कर चुके हो आप कहां तक पहुंच पाए हो उसके अकॉर्डिंग उसका रूप बदलता है परमात्मा का होगा वो परमात्मा क्योंकि वो तो निराकार है उसका तो आकार ही नहीं है लेकिन आप कैसे मान लोगे निराकार को जब तक वो किसी आकार में नहीं आएगा इसलिए वो उस आकार में आता है जिसमें वो अपना प्रचार करवाता है यानी सच्चे संत पीर फकीर के रूप में आपको आके दर्शन देगा दुनिया का क्या है दुनिया तो बोलते रहना है कुछ भी कह सकती है आज तक किसी को नहीं छोड़ा एक छोटा सा उदाहरण बस कुछ चंद बातें और तो गुरु मंत्र की थोड़ी सी बात आपको बता दें आप रह गया मंत्र मंत्र कहें शब्द मेथड, विधि युक्ति तो गुरु मंत्र का पूरा मतलब है वो शब्द जो गुरु ने खुद करके देखे हों वो भगवान का नाम जो गुरु ने खुद जाप किया हो अभ्यास किया हो वो गुरु क्या कहता है मैं भी इंसान हूं आप भी इंसान है मैंने इन शब्दों का जाप किया और मुझे मेरा भगवान मिला सारा कुछ मिला सब कुछ दिखा अगर मुझे दिख सकता है तो मैं इंसान हूं तो आप भी इंसान है आप जाप करोगे तो आपको क्यों नहीं दिखेगा आज तक हमने साढ़े छह करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया जिसका अभ्यास हमने किया और जिन जिन ने भी अमल किया सारे कह रहे हैं जी सौ परसेंट हमें नजारे आए कहीं ना कहीं कब कभ ना कभी दर्शन हुए तो बच्चों कोई नया आके बैठता है कोई नया सुनता है जरा सोचिए अगर ये साढ़े छः करोड़ों में से लगभग लगभग जिन्होंने अभ्यास किया पिचानवे से सौ परसेंट तक लोगों को वो नजारा आया तो आपको क्यों नहीं आएगा भगवान ने क्या आपका कोई दुश्मनी है बात ये इन लोगों ने जाप किया आपने करना है करोगे तो झोड़ियां भर जाएंगी करोगे तो नजारे आ जाएंगे अभ्यास बिना कुछ नहीं संत सिखाते एक टीचर उदाहरण एक टीचर एक मास्टर एक लेक्चरर क्लास में आता है क्या करता है आपको पढ़ाता है ना आपके उलझे हुए सवालों को सुलझाता है ना लेक्चर देता है ना और आप पूरी क्लास सुन रही होती क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं उसी क्लासों में सुन रहे होते हैं बहुत बच्चे मेरिट में आ जाते हैं कई फर्स्ट डिवीजन ले जाते हैं और जो पीछे से जो वो कागज की बत्तियां बना बना मारते रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब बताइए इसमें मास्टर की कमी है या ना मानने वाले की कमी मास्टर ने तो सबको पढ़ाया तो फिर मेरिट कैसे आ गई अगर मास्टर में कमी है तो, तो गुरु बेचारा क्या कर सकता है अगर मानने वाला ही ना माने तो इसलिए संतों का काम बताना होता है और कोई जादू नहीं करना होता ऐसे वो तो जादूगर करते होते पुराने टाइमों में गिली गिली अप्पा या ऐसा कुछ बोला करते थे क्योंकि जादूगरों के खेल भी हमने देखे हैं। समाज में रहे हैं तो देखा है या शुर्र शर ऐसा कुछ करते होते हैं वो तो वो हाथ की सफाई के लिए कि आप उधर देखें उधर से क्या रहा है इतने में काम कर दिया आप उधर देखते रह गए उसने वो निकाल दिया जो जादू था तो ये तो हमने तो देखे थे पकड़ भी लेते थे पर बोलते नहीं थे कि बेचारे का रोजगार आपा क्या लेना बढ़िया सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है तो होती तो हाथ की सफाई लेकिन इधर वो जादू नहीं है ना कोई जादू टोड़ा ना कोई ऐसी बात तरीका हम बताएंगे जाप आपने करना है गारंटी हमारी है करोगे तो हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आएगा आपने देखा सबके आया तो आपके क्यों नहीं आएगा इतना सी बात है तो अब वो जो आपको कहा कि बताते हैं तो परम जी सच्चे दाता रहान जी, जी दाता ने फरमाया भजन में भी लिखवाया एक सच्ची घटना होगी किसी टाइम की बहुत पहले की कह सकते हैं तो दोनों बाप बेटा जा रहे थे और एक उनके पास सवारी के लिए खच्चर होती थी घोड़े होते थे गधा होता था अपने अपनी हैसियत के अनुसार बेचारे ऊंट होता था कोई हाथी वाले भी होते थे तो वो उनके पास गधा था तो उन्होंने तो गधे से बड़ा प्यार था तो दोनों ठीक थे तंदुरुस्त थे और चल पड़े ये चलो आप बाजार से कोई बिजनेस व्यापार कोई सामान लेके आना है तो इस पर ला देंगे तो बेचारे को उतनी देर आप क्यों तकलीफ देनी है पैदल लोग चल के पसंद करते थे तभी तंदुरुस्त रहते थे आजकल तो रसोई में भी टॉयलेट मतलब बुरा ना मानना साथ में अटैच होगी कि बनाते बनाते आ जाए तो करके फिर आ जाए दूर जाना ही ना पड़े आने का भी टाइम नहीं है पता नहीं कब आ जाए क्योंकि खाने का टाइम नहीं कब खा लें तो आने का भी टाइम नहीं कब आ जाए ये भी तो चक्कर है ना पहले सारा कुछ टाइम के अनुसार होता था तो वो च पैदल चलना भी आज आप किसी डॉक्टर से पूछ लो जबरदस्त एक्सरसाइज है कई आज स्पेशली चलते हैं सुबह सुबह चलते हैं और बहुत ही बढ़िया है उसी कहते हैं मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ मतलब लोगों को थोड़ा कंपटीशन सा भी कर लेते मैंने इतने कदम चले तूने कितने चले बढ़िया ये कदम कंपटीशन बढ़िया कर रहे हो तो अच्छा है कोई बात नहीं तो वो पैदल चल दिए कि चलो आते टाइम तो बेचारे पे बोझ लदने हैं लाद के लाएंगे चल के चलते हैं वो पैदल जा रहे हैं रास्ते में एक गांव आए लोग हंसने लगे कहते इन जैसा कोई मूर्ख होगा कहते क्यों अरे कहते यार दोनों पैदल जा रहे हैं और ये सवारी इनके पास में हराने की बात है बाप थोड़ा मजबूत था बेटा अभी यंग हो रहा था तो बाप को लगा कि यार बेटे को बिठा देते उसने बेटे को बिठा दिया और खुद आगे उसकी वो रस्सा जो होता वो कंधे पे डाला और चल पड़ा अब आगे कुछ लोग आए तो हंसने लगे कहते मुस्टंडा है हट्टा कट्टा हस्त पुष्ट गधे पे बैठा और अपने बाप को पैदल चला रखा वो कहता है बापू आ उसने डाल ली और बाप बैठा तो अगला गांव आया वो हंसने लगे कहते इसको शर्म नहीं आती को। है को अच्छा भला है तंदुरुस्त है छोटे से बच्चे को आगे चला रखा है बाप कहता बेटा अब क्या करें कहता तू भी आ जा बेटे को कहने लगा तू भी आ जा और तो कोई तरीका नहीं बेटे ने पूछा क्या करें बापू कहता तू भी आ जा अब दोनों चढ़ के अगला गांव आया कहते ओ हो हो कितना बुरा जमाना आ गया कहते क्यों दूसरा पूछता क्यों कहता हो सामने देखो बेचारा बोल नहीं सकता इसलिए दो एक गधे पे दो दो बैठे जा रहे हैं दोनों ने एक दूसरे को देखा कहते अब क्या करें गांव कहते अब और कुछ नहीं रहा इसको उठा के अपने ऊपर बैठा लेते भोड़े थे थोड़े सीधे साधे थे पावरफुल थे वरना गधे को उठा लोगे ऐसी दुलत्ती जाड़ेगा पता नहीं बत्ती भी बाहर आ सकती है पर वो पावरफुल थे उस टाइम के लोग उन दोनों ने उसको उठाया और कंधे पे रख लिया पुल पार करने लगे या तो उनको किसी गधे को तेल की वो स्मेल आ गई बेपरवाजी फरमाया करते थे कि शायद कोई मिट्टी का या कैरोसिन उस समय होता था, था तेल वगैरह या किसी चीज़ की स्मेल आ गई तो वो पुल के ऊपर से जा रहे थे तो गधे को छींक आई दौलतती सी झाड़ी उसने वो हाथ से छोड़कर धड़ाम करके नदी में गया अब दोनों बैठे वहाँ रो रहे हैं कि अब ये क्या हो गया तो हमारा कहने का मतलब आज तक क्या आपने सुना है किसी ने पूरी दुनिया को खुश कर दिया हो हमने तो नहीं सुना बुजुर्गों से परम बेपुर जी से पूछा उन्होंने भी बताया कि कभी नहीं सुना तो इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपना कबाड़ा मत करवा बैठना यह तो ना तो किसी पे खुश हुई है श्री रामचंद्र जी आए विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी के रूप में आए विष्णु जी के अवतार उनको नहीं छोड़ा चौदह साल बनवास जाना पड़ा तो आम आदमी की तो औकात क्या है यह दुनिया नहीं किसी को छोड़ती लेकिन अगर रास्ता सच्चा है दृढ़ता से चलते जाओ राम जी आपके साथ हैं परम पिता परमात्मा आपके साथ दुनिया से क्या लेना अब संत का काम समाज को सुधारना है आपको जन्म देने वाले मां बाप होंगे वो आपके माँ हैं, बाप हैं लेकिन एज ए संत जो भगवान की औलाद है वो हमारी पहले औलाद है और हमें दर्द है अपने बच्चों का जो नशे में मर रहे हैं हमें दर्द है उन बच्चों का जिनके बच्चे चले गए उनके मां बाप रो रहे हैं तड़फ रहे हैं हमें दर्द है अपने उन बच्चों का जो अपनी गंदी आदतों को सुधारना चाह रहे हैं लेकिन सुधार नहीं पा रहे इसलिए संत इस धरती पे आते हैं और फिर वो राम का तरीका बताते हैं जिससे ये परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और जिंदगी सफल हो जाए और संतों का कोई मकसद नहीं होता इस धरती पर आने का उनकी भी एक ड्यूटी होती है तो इसलिए संत पीर फकीर कहीं भी कोई तकलीफ आती है पहले तड़फ उठते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं माने तो अरबों बार सजदा ना माने तो भी अरबों बार सजदा क्योंकि संत उसकी रजा में रहते हैं कि जो वो करता है गलत ना करता था ना करता है ना कभी करेगा एक राजा और बजीर की बड़ी दोस्ती थी और दोनों इकट्ठे ही उस समय शिकार पे बड़ा जाया करते थे राजा महाराजा ये उनका एक शौक कह लो या पिछले जन्मों का कोई होगा लेना देना तो शिकार पे जाते थे दोनों इकट्ठे और शिकार खेल के वापिस आ जाते थे तो एक दिन वो गए राजा ने तीर चलाया शिकार तो मर गया लेकिन इधर से राजा का अंगूठा जैसे उसका जो लास्ट तीर का होता है जैसे वो हिस्सा गया तो अंगूठा कटा और फिर फिर तंचा से अंगूठा टकराया अंगूठा के नीचे गिर गया तो राजा चीखा वजीर कहने लगा जी क्या हुआ कहता अंगूठा कट गया कहते लग लो भाई मरम पट्टी करो मरम पट्टी करो राजा कहता यार आज बड़ा बुरा हुआ ना बजीर भगवान को मानने वाला था कहता नहीं नहीं भगवान जो करता है वो अच्छा करता है राजा तो फिर राजा है चढ़ गया गुस्सा मेरा अंगूठा कट गया और ये अच्छा दोस्त है जो कह रहा है भगवान करता अच्छा करता है अजीब दोस्त है काहे की दोस्ती कहता डालो इसको काल कोठरी में अब राजा का हुक्म कौन डाले काल कोठरी में डाल दिया दो तीन महीने गुजरे राजा शिकार पे अकेला चला गया साथी थे फौज तो होती होगी कुछ असैनिक थे पर राजा का घोड़ा पावरफुल होता था अब थोड़ा आंधी तूफान आया घोड़े ने स्पीड पकड़ी राजा ने भगाया वो कहीं और ही निकल गया घोड़ा भी तो आखिर बेचारा पशु है उसको क्या पता इतनी आंधी तूफान में राजा किधर ले जाना चाह रहा वो लगाम खींचता गया घोड़ा उधर ही मुड़ता चला गया और ऐसी जगह पहुंच गया आदिवासी एरिया था आदिवासियों ने पकड़ लिया कि शिकार आ गया तो वो नर बलि दिया करते थे आपने सुना होगा पुराने टाइमों में आजकल भी कई कई राक्षस प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते सुना है खबरों में सच है या झूठ है ये तो राम जाने। तो राजा वहां पहुंच गया उन्होंने उतार लिया पकड़ लिया कह भाई इसकी तो बलि देंगे अब शाम सी का समय हुआ जो भी बलि का टाइम था उसको नहलाया दोलाया और वो गड़ा काट लेते थे यूं बना के रखते थे तो वहां ले आए उससे पहले एक तांत्रिक आता था, था जो उस पर संधूर लगाता था, था या नारियल या कुछ भी ऐसा कुछ करते थे मंत्र मंत्र उसके ऊपर तो तांत्रिक आया उसने पहले चेक किया सारे शरीर को चेक करने के बाद वो बोला रुको तो उनका जो मुखिया था कहता क्या हो गया सारे नाच रहे थे कूद रहे थे सारे चुप हो गए कहता ये बली नहीं हो सकती कहते क्यों कह इसका अंग भंग है जिसका अंग कटा हो उसकी बलि भगवान नहीं लेता पूरे अंग होने चाहिए ये देवी देवता जिसको आप दे रहे हैं ये खुश नहीं होगा तो कहते जा छोड़ दिया उसको छोड़ दिया राजा समझदार तो था ही फट समझ आ गई कि आज अगर ये ना कटा होता तो तेरा तो बेड़ा पार था बेटा कहता यार दोस्त की याद आ गई कि यार वो तो सही कह रहा था मैं ही गलत था तो भागा घोड़ा दौड़ाया पहुंच गया रात को ही बाहर निकाल लिया कहता बाहर निकालो कहता यार आज वाली भाषा में सॉरी पहली वाली भाषा में जो भी था सॉरी फील की उसको बोला और कहने लगा गलती हो गई यार तू सही है आज मेरे साथ ऐसा ऐसा, ऐसा हुआ वो कहता है वजीर कहता है, जी वो भगवान हमेशा ही अच्छा करता है बादशाह फिर सोचा कहता है वो बात सुन कहता हाँ कहता चलो मेरा तो अंगूठा कट गया मैं तो आज बच के तेरे साथ अच्छा क्या हो गया जो तीन महीने यहां कैद मेरा काल कोठरी में ये कैसे अच्छा हो गया कहता राजन तेरा अंगूठा कटा है, मेरा नहीं कटा दोनों कट्ठे होते शिकार पे तू तो आ जाता तेरा तो अंगूठा कटा मेरा तो नहीं कटा था मेरा तो वहां बाजा बजा देते तो मेरे भी भगवान ने अच्छा किया जो मुझे जेल में रख लिया तो इसलिए बेटा ये हकीकत है कहानी नहीं सच्चाई है वो जो करता था सही है कर रहा है सही है करेगा सही है उसको मानने वाले को अगर यह मान लिया कहीं भी रहो ना चेहरे का नूर जाएगा ना अंदर का सरूर जाएगा ना वो राम हजूर जाएगा हर पल साथ रहेगा कहीं भी वो दूर ना जाएगा